finally the results of CA foundation and CA final are declared today. So a big congratulations for all of you all who have cleared CA foundation exams and the ones who have cleared CA final exams, and they can use these two initials CA before their name. A big congratulations to you guys. Guys, just live this moment. ये वाला जो moment है ना वो बहुत ज़्यादा precious है. I'm sure खुशी के आंसू आ गए होंगे result देख के, या फिर मम्मी पापा को hug कर लिया होगा आप लोगों ने. मम्मी पापा भी रो रहे होंगे, घर का माहौल ही कुछ अलग होगा. Because you deserve it guys. आपका every single effort, वो sleepless nights, वो stressful days, each and every muscle you stretched has paid off today. So yeah, big clap from my side to you. आप लोग मुझे भी पार्टी देना for sure. Comment करके मुझे बताना आपकी success stories, because it feels nice when your students achieve this feat of becoming a chartered accountant. And also for the ones who have cleared CA foundation exams, do share your results as well. Live this moment guys. ये वाला moment ना कभी वापस नहीं आने वाला. आपको कुछ भी मिले life में, बहुत अच्छी जॉब लगे या बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाए, लेकिन ये वाली जो फीलिंग है ना वो कभी वापस नहीं आएगी. सो लिव दिस मोमेंट गाइज. सो या एंड फॉर द वंस हु हैवंट क्लियर्ड, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं. रिमेंबर वन थिंग, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट. बहुत सारे लोगों जो आज क्लियर किया है, बहुत सारे लोगों ने जिसने आज एग्जाम्स क्लियर किए हैं सीए फाइनल्स वाले, उसमें से 70% लोग ऐसे थे जिन्होंने लास्ट टाइम फेलियर फेस किया था. सो हैड दे टेकन दैट फेलियर दैट सीरियसली, दैट दे वुडंट हैव बीन एबल टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे. सो रिमेंबर दिस वन लिटिल थिंग, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, नीदर द सक्सेस नॉर द फेलियर. आई नो बुरा तो लगेगा ना यार, बुरा लगेगा, ऑफकोर्स नेचुरल है, इवन आई हैव बीन थ्रू फेलियर इन लाइफ. सो डोंट सप्रेस योर इमोशंस. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको बुरा नहीं लगेगा या फिर यू वोंट फील ट्रॉमेटाइज्ड या डेवस्टेटेड. एटलीस्ट कमिंग 4-5 दिन तो आई नो आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि गिव अप ही कर देते हैं, कितने टाइम से एग्जाम दे रहे, ऐसा हो गया, इतनी मेहनत की थी तो भी नहीं हुआ, बहुत सारा कुछ कुछ चलेगा आपके दिमाग में. आई एम श्योर. Allow those emotions to flood in. Don't suppress these emotions. चाहिए तो रो डालो किसी भी फ्रेंड के सामने, फैमिली मेम्बर के सामने, चाहिए तो रो डालो, लेकिन डोंट सप्रेस योर इमोशंस. बट एट द सेम टाइम, बाय नॉट सप्रेसिंग योर इमोशंस, आई डो नॉट मीन कि यू हैव टू क्रिटिसाइज योर सेल्फ. मैंने देखा है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना खुद को डिरोगेट करेंगे, मुझसे नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो आई डिजर्व दिस, मैं तो शायद ही कभी सीए बन पाऊंगी, मैं तो शायद ही कभी फाउंडेशन का एग्जाम्स भी क्लियर नहीं किया, अभी तो मुझसे शायद ही कुछ होगा लाइफ में. दिस दैट वी स्टार्ट टू डिरोगेट आवरसेल्फ्स. यू नो गाइज, दिस इज द लीस्ट थिंग यू शुड डू. क्या होगा खुद को क्रिटिसाइज करके अभी. रिमेंबर वन लिटिल थिंग, ऑफकोर्स कुछ तो गलत हुआ है, एनालाइज दोज मिस्टेक्स, बट बाय क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ यू आर मेकिंग दिस जर्नी टफर फॉर यू. बिल्कुल भी खुद को जज मत करो, लोग रहेंगे अभी जज करने वाले. आई एम श्योर कि आपको आजू बाजू वाले लोग बोलेंगे, अरे इसने क्लियर नहीं किया, हमको तो एक्सपेक्टेड था ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेगी. और कोई ऐसे भी बोलने वाला रहेगा कि अच्छा, इसके तो लक्षण देख के हमको लग रहा था कि ये क्लियर नहीं करने वाली है. देर आर गोइंग टू बी ट्रिमेंडस वॉइसिस आउटसाइड. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज मेंटेन योर काम. यू कांट शट देयर वॉइसिस, बिकॉज सबको ड्रामा चाहिए होता है लाइफ में, आपको भी पता है, स्पेशली वेन इट कम्स टू सी ए एग्जाम्स ना, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा सी ए रिजल्ट के टाइम सबसे ज्यादा ड्रामा होता ही है. सो यू कांट शट देयर वॉइसिस, बट यू कैन शट योर ईयर्स. डोंट अलाउ देयर जजमेंट्स टू अफेक्ट योर पीस, बिकॉज सम हाउ अगर आपका पीस अफेक्ट हो गया तो ये जर्नी और टफ हो जाएगी आपके लिए आगे की. सो इस टाइम पे खुद का चीयर लीडर बनो, खुद को क्रिटिसाइज मत करो गाइज. एंड मेन थिंग है खुद को कंपेयर भी मत करना कि मेरे फ्रेंड ने पास कर लिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया. आई नो थोड़े बहुत थॉट्स आना नेचुरल है कि हमने सेम पढ़ाई की थी तो भी उसने क्लियर कर लिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ. बस आपको इतना मेक श्योर करना है कि ये सब चीज़ें सोच के आपका फ्यूचर में आपको जर्नी टफ दिखेगी,
उससे बेटर है आप ये सोचो कि आई रिफ्लेक्ट अपॉन माई मिस्टेक्स, आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट कि काश ये कर लेती, काश वो कर लेती. इंस्टेड ऑफ दैट थिंक अपॉन द फैक्ट कि अच्छा ऐसे हो गया, ये गलती हो गई होगी, ये पेपर सॉल्विंग नहीं किया था, ये 1.5 डे का प्लानिंग नहीं किया था, ये गलतियाँ कुछ हो गई थी, 90% चीज़ें मैंने सही की थी, ये 10% चीज़ें गलत हो गई. सो आई मेक श्योर आई डोंट कमिट दीज मिस्टेक्स अगेन. दैट शुड बी द काइंड ऑफ सेल्फ टॉक यू आर हैविंग विथ योर सेल्फ. सो इंस्टेड ऑफ बी लेटिंग योर सेल्फ नाउ अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्ट, डोंट सप्रेस योर इमोशंस. थोड़े दिनों के लिए अलाउ दीज इमोशंस टू फ्लड इन, 4-5 दिन. फिर नेक्स्ट 4-5 दिन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो कि हाँ चलो ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, एंड उसके बाद बाउंस बैक. बिकॉज फॉलिंग डाउन इज ओके गाइज, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू फॉल डाउन, बट एवरी टाइम यू फॉल डाउन यू हैव टू वेक अप एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर. बिकॉज दिस फेलियर इज एक्चुअली ग्रोथ इन डिस्गाइज, इट इज टीचिंग यू अ लॉट इन लाइफ. ट्रस्ट मी गाइज, आई एम अ प्राउड फेलियर. I feel proud of the fact that I have failed in my CA exams and it has given me immense learnings. So yeah, learn out of this phase of yours. I'm pretty sure everything, every bit of the stress you're facing now, your demotivation you're facing now is going to pay off one single day. But for that, you have to begin with the end in mind. कि मैं खुद को 6 months down the line कहाँ देखती हूँ? If I see myself पासिंग दीज एग्जाम्स तो मुझे अभी से लेकर बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना है एंड वापस लग जाना है पढ़ाई के लिए. सो गिव योर सेल्फ सम स्मॉल स्वीट टाइम, जहाँ पे खुद को टाइम दे दो थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, बट उसके बाद अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा. तो लास्ट के 2 महीने फिर जम के पढ़ाई करेंगे, और ये 2 महीने में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं रहूँगी आपके साथ उसके लिए. बट खुद का काम थोड़ा सा मेंटेन करके रखो, एंड मैं तो आपके साथ थ्रू आउट दिस जर्नी रहूँगी, गाइडिंग यू, हेल्पिंग यू, गिविंग यू द स्टडी प्लान्स, मोटिवेशन, बूस्टर्स सब देती रहूँगी मैम. बस यार इतना डिसअपॉइंट मत होना, ठीक है? या दिस एवरी सिंगल बिट ऑफ दिस विल फेड ऑफ वन डे, एंड एज आई टोल्ड नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग will just pay off one day and you will feel proud of yourself one day. Theek hai? Yeah, chalo. Bye bye. Take care. All the best.